27, 28 व 29 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभिन्न कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल की अध्यक्षता में हिंदू युवा वाहिनी सहित सामाजिक सांस्कृतिक व्यापारिक संगठनों की बैठक सिविल लाइन स्थित एक हाल में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई, जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने बताया कि प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। पी के मल ने बताया कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद में आगमन होता है कुछ न कुछ सौगात जिले को देकर ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण करेंगे और उसे जनता को समर्पित करेंगे एवं 28 मार्च को गोरखपुर से लखनऊ के बीच एक विमान सेवा की शुरुआत करेंगे तथा होली के पर्व पर निकलने वाले शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, डॉक्टर सी एम सिन्हा, दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया, रितेश आल्हा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, आशीष गुप्ता जी, राम से पासवान जी, दिनेश सिंह सारथी जी, प्रवीर आर्या जी, आप सभी लोग गोरखपुर शहर के गोरखपुर के प्रतिष्ठित संगठनों के हमारे सरदार जसपाल सिंह जी, मनमोहन सिंह काटे जी, सभी अभियान के साथी विभिन्न सभी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को प्रसारित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से कुछ महाराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में हमने स्थापित किया है के विकास की धारा हिंदुत्व विकास की धारा वही है। हमारे बीच में दुर्गेश त्रिपाठी जी, सतप्रकाश सिंह मुन्ना जी भी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री दुबे जी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। जब से विकास की धारा वही है, हिंदुत्व की धारा वही है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में और साथ साथ पूरे विश्व में एक गोरखपुर की नई पहचान मिली है। नई पहचान सामाजिक एक सुरक्षा की, नई पहचान एक विकास की। अब तो बहुत हर्ष का विषय हम सब लोगों की है कि उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में भी लोग योगी जी जैसा मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप अपने क्षेत्र में मांगते हैं। हमारी बात तो भारत के बाहर भी अन्य देश में लोगों से होती है और इतने ज्यादा उत्साहित लोग हैं और सभी लोग कुछ महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और इनके उज्जवल भविष्य और इनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। कुछ लोग मौन रूप से ये कार्य करते हैं, कुछ लोग उसको प्रदर्शित करके भी करते हैं। आपको ये जानकर क्योंकि मैं साझा करना चाहता हूँ आज के दिन कि कुछ विरोधी तत्व ऐसे हैं जो माननीय मोदी जी और योगी जी के इस हिंदुत्व और विकास के कार्य को पसंद नहीं करते तो पूरे विदेश में एक निगेटिव इमेज, नकारात्मक एक कुछ महाराज जी की छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और पूरे विश्व में अंग्रेजी में लेख ऐसे लिखे जाते हैं जो महाराज जी के विरोध में होते हैं। लेकिन वहाँ पे भी इनसे जुड़े हुए हिंदुत्ववादी ऐसे लोग हैं जो उसको अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इसको नकारते हैं। हमारे बीच में धर्मेंद्र सिंह जी ट्रांसपोर्टेशन से उपस्थित है, आपका हाथ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा हम लोग देख रहे हैं समाचार पत्रों में एक एक तरह की न्यूज विशेष करके लगातार उस पर बढ़ रही है कि पुलिस बहुत खराब है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व विकास का मुद्दा इस प्रकार पर छाया हुआ है कि विपक्ष को जान बुझ के प्रायोजित तरीके से हिंदुत्व विकास का मुद्दा कुछ महाराज जी ने आगे बढ़ाया है। इस मुद्दे को हम लगातार आगे बढ़ाते रहे और यह जो चार स्वर्णिम वर्ष हमें मिले हैं विकास के हिंदुत्व के, यह चार पांच ही नहीं, हमें
10-15 साल तक ये अनुभव होता रहे, ये महसूस होता रहे, ये हिंदुत्व विकास का ये अभियान और ये यात्रा आगे चलती रहे और उसके बाद यात्रा बहुत आगे तक बढ़े, लखनऊ से और आगे जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी लोग उन सब अभियान को अपने हाथ में लेके अपने अपने स्तर पे, क्योंकि गलत चीज़ों का प्रचार लोग बहुत तेजी से करते हैं इधर उधर और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को हम अपने आप तक सीमित ना रखें, हम भी इसको अपने अपने क्षेत्र में प्रचारित प्रसारित करते हुए आगे बढ़ाएं। और माननीय श्री सीताराम जायसवाल जी महापौर जी के समक्ष मैंने अपने यह प्रस्तावना रखा है कि पूज्य महाराज जी आगामी 27 तारीख और 28 तारीख को गोरखपुर को एक नई और विकास की यात्रा पे आगे ले जा रहे हैं, जिसमें जो चिड़ियाघर का लोकार्पण भी करेंगे और साथ में 28 तारीख को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत गोरखपुर और लखनऊ के बीच में कम कीमत का कम भाड़े का हवाई यात्रा भी गोरखपुर के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो यही निवेदन के साथ में, चूँकि आप सभी लोग अपने अपने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और पूज्य महाराज जी के हर आंदोलन में आपने उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया है और आपके शक्ति से ही उनको शक्ति मिली और आज उत्तर प्रदेश का नाम चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर हुआ, गोरखपुर का नाम रोशन हुआ। तो आपकी ये शक्ति लगातार पूज्य महाराज जी तक मिले और हर व्यक्ति को यह जानकारी उपलब्ध हो सके और 27 तारीख और 28 तारीख के कार्यक्रम में एक भव्यता आए और उसमें सब लोगों की सहभागिता रहे, उसमें आगे हम लोग और आगे आगे हिम्मत बढ़ा के आगे काम कर सके। सर, ये बैठक किस संदर्भ में? इस बैठक में गोरखपुर महानगर के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में जब से पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, तब से एक विकास की धारा ऐसी चली है कि पूरे देश में इसकी जय जयकार हो रही है और गोरखपुर को विशेष कृपा, हम लोग कृपा पात्र हैं क्योंकि यहाँ पे जब भी महाराज जी आते हैं कुछ ना कुछ एक बड़ी यहाँ पे गिफ्ट दे के जाते हैं। अभी 27 और 28 तारीख को गोरखपुर को चिड़ियाघर जू समर्पित कर रहे हैं, लोकार्पित करेंगे और 28 तारीख को गोरखपुर से लखनऊ के बीच एक विमान सेवा शुरू होने जा रही है जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत होगी। तो ये अपने गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी उपलब्धियाँ ये सब हैं और इसी संबंध में हम लोगों ने आज बैठक कर महाराज जी के प्रति आभार जताया है कि उनका स्वागत हम लोग करेंगे उस कार्यक्रम में और बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेंगे, उसमें सम्मिलित होंगे।